अगुर से रोड कोन बाहर न थिला हां थिला ना थिला मु आमे राउर को जयपुर से थिरे बस से रोड रे से रोड रे केसिंग आरे तमे कटि जा नहीं आमे बलांगिरी कोलाहाटी भवानी पटना हां बलांगिरी नय देखी पारिबु न देखी देखी लकी नमस्ते वेलकम टू माय चैनल अभी जिंदगी। सो गाइस मैं एक्चुअली आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं ऑलरेडी पैकिंग कर चुकी हूँ एंड अभी निकल रही हूँ एंड निकल रही हूँ इसीलिए बिकॉज मैं अकेली जा रही हूँ एंड ये नहीं जा रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट टाइम है जो कि शादी के बाद पहली बार जो कि मैं इनको छोड़ के अभी जा रही हूँ, छोड़ के घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ हाँ वही समझ लो आप, घर छोड़ के जा रही हूँ ये भी हंस रहे हैं। एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपनी मामा के घर, मतलब मेरी मामा के घर, मम्मा को लेकर, मतलब इनकी मदर इन लोगों लॉ को लेकर। सो हम दोनों आज जा रहे हैं एंड ये रुक रहे हैं एंड पापा भी नहीं जा रहे हैं मम्मा के साथ, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ दोनों निकल रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर। तो इसमें रिवील करने वाली कोई बात नहीं है एंड ऐसे भी नहीं है कि घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है क्योंकि पहाड़ के साइड में ही घर है हमारी। सो बहुत ही ज़ोर से बारिश भी हो रही है, इसके वजह से ये छुट्टी भी मतलब कोइंसिडेंटली ऐसे नहीं है कि इंटेंशनली हम जा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है तो इसीलिए मम्मा की पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है इसीलिए हम निकल रहे हैं। सो मैंने कहा कि चलो तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं चली जाती हूँ। सो फाइनली अभी 6 बजे बस से, अभी ऑलरेडी 5 बज चुका है। सो 5 बजे हम निकलेंगे एंड मम्मा को लेके यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड थ्रू, बस से जाने वाले हैं हम दोनों। पापा भी नहीं जा रहे हैं, ये भी नहीं जा रहे हैं एंड ये मेरी फर्स्ट टाइम है, इनको छोड़ के मैं कैसे रहूँगी मुझे नहीं पता यार, लाइक बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सो गाइस चल रहे हैं, सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स मम्मा के पास, उसके बाद बस स्टैंड जाएंगे एंड देन मैं आपकी पूरी जर्नी ना आज पक्का शेयर करूँगी बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड, बिकॉज बहुत दिन के बाद मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ। शादी के बाद पहली बार गई थी इनको लेके एंड अभी अकेली जा रही हूँ एंड हम दोनों लेडीज जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मम्मा की एंड मेरी ना ये फर्स्ट जर्नी है जो कि हमारे साथ कोई भी नहीं जा रहे। सो गाइस स्टे ट्यून, मैं बहुत ही ज़्यादा टुटू रो के ऐसे कर रही हूँ बिकॉज 6 बजे बस है। सो गाइस स्टे ट्यून, मैं वहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रही है। सो स्टे ट्यून, कटक से जाने वाली हूँ भुवनेश्वर टुवर्ड्स देन वहाँ है जो उड़ीसा से बाहर है। मेरी बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि नॉन उड़िया है, मुझे पता है, बट मैं उड़िया में आप थोड़ी सी उड़िया वाले हिंदी समझ सकते हो बट हिंदी वाले उड़िया नहीं समझ सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ। सो गाइस एडजस्ट कर लेना एंड सबटाइटल नहीं तो पढ़ लेना। सो गाइस स्टे ट्यून।
सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं कटक बस स्टैंड में, तो हमें जाना है मामा के घर एंड मम्मा और मैं अभी जा रहे हैं लगेज लेके एंड ये बोले थे कि तो आगे जा, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। सो यहाँ पे एक प्रोसेस है, जैसे कि हम एयरपोर्ट में लगेज वगैरह चेक करवाते हैं ना, दैट काइंड ऑफ। तो ये मेरी पहली बार है, मैं कभी नहीं गई हूँ। एंड नया बस स्टैंड तो आपको जैसे कि पता है एक साल भी नहीं हुआ है ये बनते हुए, तो यहाँ पे मैं अपनी लगेज चेक करवा रही थी। उसके बाद हमें जाना है टुवर्ड्स बस। सो पापा आगे जा चुके हैं ऑलरेडी एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑलरेडी ये इतनी नीट क्लीन है, मैं क्या बताऊँ। ये जो बस स्टैंड है ना, ये एयरपोर्ट की तरह मुझे लग रही थी। एनीवेज गाइड, सो अभी हमें जाना है टुवर्ड्स बस। बस ऑलरेडी टाइम भी हो गई थी, बिकॉज हम मम्मा को लाने के बाद हम यहाँ पे बहुत लेट हो गई थी पहुँचते पहुँचते। तो अभी एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ऑलरेडी इतनी सारी दुकान है जो कि सब कुछ मिलता है एंड फ्रूट्स वगैरह वट एवर यू वॉन्ट सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे यू कैन बिलीव यहाँ पे ना कुक होके, जैसे कि बाहर होटल होती है ना, दैट काइंड ऑफ एज यू कैन सी। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे भी मिलती है जो कि फ्रेश ही मिलती है एंड यहाँ पे नीट इतनी है, आई एम इन लव गाइज। सो गाइज चलते हैं बस की ओर। एंड मम्मा धीरे धीरे आ रही थी बिकॉज उसकी भी ऑपरेशन हुई है, तो वो धीरे धीरे आ रही थी। मैंने कहा कि तू कुछ मत पकड़, बस ये पकड़ के आगे जा रहे हैं। अब देख पा रहे हो ऑलरेडी, सो 6 बजे बस से अभी ऑलरेडी 5:50 हो चुकी है। एंड पापा भी डांट रहे थे हमें, मम्मा यहाँ से बोल रही थी कुछ लेके आ जा, कुछ लेके आ जा। तो वहाँ पे मेरी जीजू भी खड़े हैं, पापा भी खड़े हैं ऑलरेडी। तो हमें जाना है टुवर्ड्स बस की ओर। सो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी बिकॉज लेट हो गई है ऑलरेडी। एंड हम जा रहे हैं प्रधान वल्वो बस में, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ एंड इनको कर रही थी टाटा बाय। एंड इनको देख के मुझे इतनी रोना आ रही थी ना, मैं कैसे बयान करूँ, मैं फीलिंग शेयर भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज ये मेरी पहली बार थी जो कि विदाउट हिम मैं आफ्टर मैरिज में कहीं पे भी अकेली नहीं जाती हूँ, बट ये मेरी पेरेंट्स के साथ पहली बार है एंड विदाउट हिम भी ये मेरी पहली बार थी। तो एक्सपीरियंस तो मतलब अलग ही थी, मतलब क्या बताऊँ। पेरेंट्स को लेके जा रही हूँ, ओनली मम्मा। तो हम फाइनली निकल चुके हैं एंड ये सब जा चुके हैं एंड पापा थे हमारे साथ बस में। टुवर्ड्स भुवनेश्वर जाते वक्त पापा उतर जाएंगे वहाँ से। बस एक्सपीरियंस में क्या बताऊँ, स्टे ट्यून गाइस एंड क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारी है कटक बस स्टैंड जो कि इतनी खूबसूरत है एंड हम ले रहे थे यहाँ पे सेल्फी फॉर मेमोरी फॉर माय वीडियो कंटेंट वट एवर जो भी। एंड यहाँ पे मम्मा जो नोटंकी कर रही थी ना, मैं बना रही थी वीडियो एंड मम्मा बोल रही थी कि मेरी भी कुछ वीडियो बना ले ताकि तू भी मेरे अपलोड कर पाएगी। तो इसलिए पापा और मम्मा ये वहाँ पे वही कर रहे थे एंड मैं मम्मा को पूछ रही थी तू कहाँ जा रही। सो गाइस एनीवेज हमारी मजा मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी एंड हम अभी जा रहे हैं फाइनली भुवनेश्वर बस स्टैंड टुवर्ड्स, जो कि वो भी मेरी पहली बार है, मैं कभी नहीं देखी हूँ एंड वो भी अभी रिसेंटली नया बनी है। तो अभी जा रहे हैं हम टुवर्ड्स बस स्टैंड एंड यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, मुझे इतनी ज़ोर से वॉशरूम लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब घर से इतनी पानी पी के आ गई थी, मम्मा अभी डांट रही थी कि तू घर से आ रही है एंड वॉशरूम होके नहीं आ रही। मैंने कहा पानी इतनी पी ली थी, मैं क्या बताऊँ। तो ये है हमारी एंट्रेंस जो कि बरमुंडा बस स्टैंड की भुवनेश्वर की, एंड ये भी मेरी पहली एक्सपीरियंस है एंड वीडियो जितनी भी मतलब बस से कितनी भी बना पाऊंगी गाइड। सो स्टे ट्यून एंड देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे मैं बस रहने के बाद ना बस भैया को भी पूछ रही थी कि भैया यहाँ पे कितनी देर रुकेगी, ताकि हम पानी बोतल भी घर से नहीं लाए हैं, एक पानी बोतल ख़रीदना है एंड मुझे वॉशरूम भी जाना है, मम्मा को भी मुझे भी। सो गाइस स्टे ट्यून एंड देखते हैं क्या होता है। इतनी बड़ी है ये बरमुंडा बस स्टैंड, आप तो कहीं पर मतलब खो जाओगे यार, लाइक ये तो एयरपोर्ट की बस स्टैंड की तरह है। सो गाइस स्टे ट्यून।
सो गाइज बस रुकी है 15 मिनट के लिए, अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम की ओर, जो कि मेरी मतलब मुझे नहीं पता इतनी बड़ी बस स्टैंड में मैं कहाँ पे ढूंढूंगी। सो गाइज देखते हैं क्या होता है, सो स्टे ट्यून्ड। आफ्टर 3 आवर बस रुकी है फॉर डिनर। 3 घंटे के बाद हम यहाँ पे रुके हैं, जो कि प्लेस का नाम है भोलागढ़। भोलागढ़ में हम रुके हैं फॉर आवर डिनर एंड हमने ऑर्डर की है रोटी के साथ तड़का, जो कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी। एंड मम्मा मुझे बोल रही थी पिछली बार जब पापा और मम्मा गए थे तो यहाँ पे उतनी खाना टेस्टी नहीं थी, बस तो एडजस्ट कर ले, तो मैं वही इसीलिए इतनी परेशान हो रही थी कि मतलब ये टेस्टी होगी भी कि नहीं। बट इतनी ऑयली थी ऑयल ना, मतलब ऊपर ऐसे पूरा फैला हुआ था, तो मम्मा को मैं वही बोल रही थी टेंशन मत ले बस खा ले, बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी मुझे लग रही थी, ऐसे नहीं है कि। बट रोटी इतनी अच्छी नहीं थी, मैदे के साथ थी। तो एनीवेज एंड मम्मा बोल रही थी कि मुझे स्पून से खानी चाहिए, इतनी नौटंकी मम्मा कर रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको। एंड मम्मा बोल रही थी क्यों ऐसे फ़ोन रख के तू यहाँ पे खा रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो अपलोड करेंगी, मेरी तो कभी अपलोड नहीं करती है, बस खुद की कर लेती है। तो मैंने कहा चलो पूरा खाने के आपका वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस फाइनली हम खाना खा के ये चिड़चिड़ा हो रही है एंड स्पून से खा रही है फाइनली, क्या बताऊँ मैं। एंड हमारी खाना ख़त्म हुई एंड ट्रिप हमारी फाइनली शुरू हुई, जो कि नाइट वाली ट्रिप आज कैन सी। एंड ये रोड, ओ माई गॉड, मैं तो फिदा हो गई हूँ। सो गाइज गुड नाइट एंड इन्जॉय द व्यू। सो मिलते हैं सुबह, एंड क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट। से बारिश हो रही थी तो लगेज वगैरह कब लेके गाड़ी में रख ली एंड गाड़ी में आके बैठ भी ली, वो वीडियो नहीं बना पाई, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। एंड अभी मैं फ़िलहाल हूँ गाड़ी के अंदर, ऑलरेडी मामा के साथ जा रही हूँ मैं और मेरी मम्मा एंड वाइपर चल रही है। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, 3-4 दिन से ऑलरेडी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। सो जा रही हूँ मैं अपने मामा के घर। सो गाइड स्टे ट्यून्ड एंड इन्जॉय द व्यू। एंड इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, वेदर आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, मामा के साथ बात करके मैं जा रही हूँ घर। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एंड मैं क्या क्या कर रही हूँ जयपुर में आकर एंड कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ जितनी हो पाएगी मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाने के लिए एंड आपके साथ मेरी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। एंड वेदर, ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत दिख रही है गाइज, मतलब हमारी कटक भुवनेश्वर में कुछ भी नहीं है यार, बाय गॉड। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी मॉनसून, टाटा। आमे तो जानी छु जयपुर माने आगे कोरापुट तापरे जयपुर ए जो पड़ा हां।
आज कम अच्छी कल जो अवस्था कौन चुची घर रोले मरी गला ଫାଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ତୋରି ପାଇଁ ନେଇଗଲି ହଁ आई को जो हम तेल दे ना।